सोच के देखो, जब सारी दुनिया खत्म हो गई है और जब तुम्हारी आंखें खुलती है, तब तुम एक घर में पूरी फीमेल से घिरे हुए पाते हो। हाय फ्रेंड्स, एक्सप्लेन गुरु हियर। टुडे आई एम गोना टू एक्सप्लेन द मूवी कॉल्ड ग्लास हाउस, जो 2021 में रिलीज हुई थी। सो लेट्स स्टार्ट। पर उससे पहले एक जरूरी सूचना। पूरी दुनिया में एक टॉक्सिन फैलने के कारण सब लोग की याददाश्त चली गई है। अगर सही वे में समझे तो समझो मर ही गए हैं। एक भटका हुआ आदमी एक घर की तरफ जा रहा है। उसके सामने स्टॉप की एक बोर्ड लगी हुई है, फिर भी वो उस पर ध्यान नहीं देता। तभी एक लड़की बी उसे गोली मार देती है। तब हमें पता चलता है इस घर में एक आइसोलेटेड फैमिली रहती है, जिनमें उनकी मदर बी, ईवी, डेजी और गेबी सब लोग पूरी दुनिया से कट ऑफ होके उस घर में रहते हैं। उन्होंने उस घर का एनवायरनमेंट ऐसे डिजाइन कर रखा है जिससे कोई भी टॉक्सिन घर के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। बस इसी के कारण वो अपनी मेमोरी को नहीं भूलते हैं। वो घर के अंदर ही अपने लिए वेजिटेबल्स उगाते हैं। एक दूसरे को कोई कभी भूल न जाए, इसलिए सबने अपने अपने नाम का नेकलेस पहन रखा है। और जब भी बाहर जाते हैं, वो एक मास्क पहन के जाते हैं जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। उनमें उसका एक भाई है गेब, जो बचपन में घर से बाहर चला गया था, जिसके कारण उसे आज भी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है। कोई भी बाहर के लोग उस घर में एंटर नहीं कर पाते, और अगर कोई भी ऐसा करने की हिम्मत करता है तो उसे गोली मार दिया जाता है। और जब भी कोई स्ट्रेंजर मरता है, गर्ल्स उनके सर्टन बॉडी पार्ट को रख लेते हैं फॉर रिचुअल और उनके बॉडी को दफन कर देते हैं। लड़की ने जिस आदमी को आज मारा है, उसके पास एक नाइफ और एक फोटोग्राफ है। वह उन चीजों को अपने बॉक्स में रख देती है, जिसको उसने अपने गार्डन में छुपा रखा है। और फिर वह उनके सर्टन बॉडी पार्ट को बीच में रख के प्रे करते हैं कि थैंक गॉड हमारे पास इस ग्लास हाउस का प्रोटेक्शन है। इसलिए उन्होंने घर के सारे ग्लास विंडोज पे पेंटिंग बना रखी है, जो उन बच्चों को याद दिलाती रहती है कि उनकी मम्मी यहाँ पे अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुई थी, क्योंकि वो हर रोज उसे देख के यह नहीं भूलते कि वो कहाँ से और कब कैसे आए हैं। घर के बाहर जब बी निगरानी कर रही है, वो एक स्ट्रेंजर को देखती है, जो उसके सामने आकर मास्क उतारने लगता है। बी अपनी फ्लैशलाइट को जलाती है ताकि वह कोड आंसर बता सके, पर उसके तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। पता नहीं कैसे बी के फ्लैशलाइट के कारण वह स्ट्रेंजर बेहोश हो जाता है, पर बी उसे नहीं मारती और विदाउट परमिशन उस स्ट्रेंजर को अंदर ले आती है। उसकी माँ को चिंता है कि तुम इसे अंदर क्यों लेके आए, पर तभी उनकी छोटी लड़की डेजी कहती है यहाँ का कानून है कि कोई भी सेंचुरी के अंदर आता है वो उनकी प्रोटेक्शन के अंडर आती है, इसलिए अब आदमी भी हमारी प्रोटेक्शन के अंडर है और हम इसे नहीं मार सकते। अब वो कर भी क्या सकते हैं। स्ट्रेंजर के पैर में एक घाव है। मौका देख के उनकी माँ लड़कियों के घाव को स्टिचेस करना सिखाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वह स्ट्रेंजर उठता है और खुद को जंजीर से बांधा हुआ पाता है। वह देखता है उसके नीचे बी सोई हुई है। उधर गेब की भी नींद खुलती है और वह देखता है वो किसी और के बेड पे सोया हुआ है। ईवी उसे उठाने जाती है क्योंकि अब उन्हें साफ सफाई भी करनी है। वह गेब के बेड के पास जाते हैं और उसके चद्दर को खींचने लगते हैं, ये बिना देखे कि वो बंदा अभी भी सोया हुआ है। फिर वह उसके क्लीनिंग करने लगते हैं, जो कि सिबलिंग्स के बीच में थोड़ा सा ऑकवर्ड वाली चीज है। स्ट्रेंजर का ख्याल रखने के लिए बी उसकी शेविंग करने जाती है, तभी उसे रियलाइज होता है कि यह जगा हुआ है। बी डर जाती है, पर फिर भी वह स्ट्रेंजर से कुछ क्वेश्चन पूछती है जिसका वह कोई भी जवाब नहीं देता। अब वह दोनों उसके बैंडेजेस को चेंज करते हैं। उसके बाद उनकी मम्मी उसके इंटरोगेशन के लिए आती है। वो पूछती है तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। तब वो स्ट्रेंजर कहता है उसका कोई भी नाम नहीं था और नहीं है। वह कहता है धरती पर अब कुछ भी रहने लायक नहीं बचा है और बस कुछ ही लोग बचे हैं जो कहीं कहीं जाके छुप चुके हैं, और उन्हीं छुपे हुए लोगों में से किसी ने उसे घाव दिया है। वह कहता है अब मैं ठीक हो गया हूं, और क्या मैं जा सकता हूं? तब उसकी मदर कहती है नहीं, तुम नहीं जा सकते क्योंकि अब तुम हमारे बारे में जानते हो। वह कहती है तुम्हें अब यहीं रुकना होगा और बाकियों की तरह यहीं पे रह के काम करना होगा। अगले सीन में हम गैबी को देखते हैं, जो स्ट्रेंजर के आने की वजह से थोड़ा सा चिड़चिड़ा गया है। ईवी उसे शांत कराती है और उसे अपने हाथों से बना के खेलने के लिए कुछ देती है। वह गेब को स्ट्रेंजर के पास ले जाती है और उसे टच करने के लिए कहती है कि देखो ये भी हमारे जैसा ही है, पर अभी भी गेब को उससे डर लग रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्ट्रेंजर घर की सफाई कर रहा है, पर फिलहाल वह अभी भी चेन से बंधा हुआ है। बी स्ट्रेंजर को देख के थोड़ा सा मोहित हो गई है और वह उसके लिए फ्रेश फ्रूट लाती है, जिसमें से वह स्ट्रॉबेरी को उठाता है। बी उससे प्रॉमिस करती है कि वह उसे पढ़ना भी सिखाएगी। अगर उसके पास कभी भी कोई आता तो बी हमेशा चाहती कि वह स्ट्रेंजर के साथ ज्यादा टाइम बिता पाए, और वह अपने पास किसी को भी पसंद नहीं करती जो वो स्ट्रेंजर के साथ होती। बी की ऐसी हरकत देख के ईवी को थोड़ा सा अनसिक्योर लगता है और वह उसे कहती है कि हम कोई भी रैंडम गाय पे ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। पर बी उसकी बातों को इग्नोर करती है क्योंकि उसे स्ट्रेंजर पे क्रश आ गया है। फिलहाल वो विंडोज को रिस्टोर कर रहे हैं, तभी विंडोज पे बनी पेंटिंग्स को बी स्ट्रेंजर को एक्सप्लेन करती है। ग्लास पे स्ट्रेंजर एक आदमी की पेंटिंग देखता है और उसके बारे में पूछता है कि यह कौन है। तब बी कहती है ये हमारा सब कुछ है। रात को खाने के वक्त बी चाहती है कि स्ट्रेंजर उनके साथ टेबल पे बैठे, पर उसकी मदर ऐसा होने नहीं देती और वह उसे अपने से दूर बिठाती है। तभी स्ट्रेंजर को उनके कन्वर्सेशन में लुका की जिक्र सुनाई देती है। तब वो पूछता है लुका कौन था। तब वह कहते हैं लुका उनका सिबलिंग्स था, जो बाहर सर्वाइवर्स को खोजने गया था, पर वह कभी वापस नहीं लौटा। समय बीतता है और स्ट्रेंजर की कंडीशन थोड़ी बेटर हो रही है। डेजी उससे जानवरों के बारे में पूछती है क्योंकि उसने कभी भी जानवरों को नहीं देखा। स्ट्रेंजर उसके लिए एक लकड़ी पे स्केच बनाता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए इसकी कार्विंग भी कर सकता हूं, अगर तुम मुझे नाइफ ला के दो। तब डेजी अपने सिस्टर के पास से चुपके से उसके लिए नाइफ लेकर आती है। और जब डेजी स्ट्रेंजर के साथ खेल रही है, तब गेबी को थोड़ा सा अजीब लग रहा है और उसे जलन महसूस हो रही है।
कुछ टाइम बाद स्ट्रेंजर डेजी के लिए एक हॉर्स बनाता है जो कि पजल के फॉर्मेट में है। स्ट्रेंजर वह पजल हॉर्स गेब को सॉल्व करने के लिए देता है पर वह नहीं कर पाता और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। गेब को लग रहा है कि उसे अब रिप्लेस कर दिया गया है इस स्ट्रेंजर के साथ और वह गुस्से में चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है। अब सारी लड़कियां सिचुएशन को कंट्रोल करने आती है। स्ट्रेंजर डेजी से कहता है अगर तुम मुझे फ्री कर दोगी तो मैं इसे शांत करा सकता हूँ और वह कन्विंस हो जाती है और वह स्ट्रेंजर को खोल देती है और वह जल्दी से गेब को पकड़ता है। इवनिंग में भी आईने के सामने खड़ी है और अपने चेहरे पे लगे घाव को देख रही है जो गेब के साथ उलझने के वक्त उसे लगी थी। तभी उसके पीछे वह स्ट्रेंजर आता है और उसे गेब के हाथों घाव लगने की वजह से उसे टीज करता है। बी उसे लूका कहके बुलाती है। तब वह कहता है मैं लूका नहीं हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बहन वाली फीलिंग्स नहीं आती। बी के लिए उसकी यह बातें शॉकिंग थी क्योंकि लूका भी उसके लिए कुछ ऐसा फील नहीं करता था जो कि एक भाई बहन करते हैं। अब उनके फैमिली उस स्ट्रेंजर को ऐसे घर में नहीं रहना देना चाहती और अब वह उसे बाहर छोड़ना चाहती है। वन मॉर्निंग वह स्ट्रेंजर ईवी के हाथों में एक बॉक्स देखता है और वह उसके बारे में पूछता है। बी कहती है उसमें एक गेम है जो वह लूका के साथ खेला करती थी। स्ट्रेंजर कहता है मैं भी तुम्हारे साथ यह गेम खेलना चाहूंगा पर बी कहती है तुम लूका नहीं हो और बस इसलिए तुम फैमिली के रिचुअल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक आउटसाइडर हो। स्ट्रेंजर उसकी बातों से डिसएग्री करता है और कहता है मैं जानता हूँ वो सारे रिचुअल्स क्या है और कौन करता है और कहता है मुझे यह सब याद रखने की जरूरत नहीं। उसके बाद वह डेजी के पास जाता है और उसे उस बॉक्स के बारे में पूछता है जो बी के हाथों में थी। डेजी कहती है उसे याद नहीं क्योंकि तब वह बहुत बच्ची थी पर बी को यह सब मालूम है क्योंकि उस बॉक्स में लूका उसके लिए उसकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी रखा करता था। थोड़ी देर बाद वह स्ट्रेंजर ईवी के पास जाता है और उससे ऑफेंड करने के लिए उससे माफी भी मांगता है पर ईवी उसकी बातों को इग्नोर करती है। कहती है अगर उस दिन मैं ड्यूटी पे होती तो मैं तुम्हें वही शूट कर देती। स्ट्रेंजर उसे उसकी हेल्प करने के लिए कहता है पर ईवी कहती है तुम अपना देख लो। उसके बाद स्ट्रेंजर उनके मदर से मिलता है। तब वह कहती है सबके पास अपना अपना पर्पस है पर वो अभी तक ईवी के लिए नहीं ढूंढ पाई है। नेक्स्ट डे जब सारी बहनें गार्डन में काम कर रही है तब स्ट्रेंजर बी के पास आता है और उसके लिए एक स्ट्रॉबेरी रखता है। यह देख के बी को लगता है कि यह हमारा लूका ही है और वह ईवी को सारी पुरानी बातें भूल जाने के लिए कहती है पर ईवी को अभी भी लगता है यह एक मैनिपुलेशन ट्रिक है। दोपहर में वह स्ट्रेंजर बी के साथ निगरानी पे जाता है और वह बी के साथ थोड़ा सा फ्रीकी होने लगता है पर तभी बी के सामने एक स्ट्रेंजर आता है। बी स्ट्रेंजर पर ध्यान नहीं देती और आदमी को शूट कर देती है। फिर वह उसकी बॉडी को घर पे लाते हैं और फिर से वही रिचुअल। यह सारी चीजें खत्म होने के बाद बी और स्ट्रेंजर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सारे दीवार ग्लास की बनी हुई है और जब ईवी वहाँ से गुजर रही थी वह बी को स्ट्रेंजर के साथ देखती है। यह देख के उसकी पुरानी मेमोरी याद आती है जब ऐसे ही उसने सेम सिचुएशन में लूका को देखा था। सडनली स्ट्रेंजर ईवी को देखता है। ईवी जल्दी से वहाँ से हट जाती है। उसके बाद स्ट्रेंजर ईवी से मिलता है और कहता है तुमने देखा तुम्हें अच्छा लगा क्या। पर यह सुनकर ईवी को गुस्सा आता है और उसके तरफ चाकू थ्रो करती है और वह कहती है वो अपनी सिस्टर की तरह नहीं है जो तुमसे मैनिपुलेट हो जाए। और तभी स्ट्रेंजर मिट्टी में कुछ नोटिस करता है। वह गार्डन की मिट्टी को हटाता है और उसमें उसे ईवी का वो बॉक्स मिलता है। वह उसमें दो बैटरी के साथ लूका का नेकलेस देखता है जैसा कि सारे सिविल्स ने अपने गले में पहन रखा है। उसके बाद वह डेजी के पास जाता है और उसे उस लॉकेट के बारे में पूछता है। तब डेजी कहती है यह लॉकेट जब बच्चा जन्म लेता है तब उनकी मम्मी उसके लिए बनाती है ताकि वो कभी अपने बच्चों को भूल ना पाए। अब फिर से उनका रिचुअल का दूसरा टाइम आता है और स्ट्रेंजर उनके साथ रिचुअल में ज्वाइन होता है जिससे देख के ईवी ऑफेंड हो जाती है। वह कहता है हमारे बीच कोई भी आउटसाइडर आके हमारे रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तब वह स्ट्रेंजर टेबल पे एक बैग खोलता है जिसमें लूका का वह नेकलेस है पर ईवी कहती है उसने लूका को नहीं मारा। तब स्ट्रेंजर कहता है तो फिर तुम्हारे पास कैसे आई और तुम्हारे पास बहुत सालों से परी हुई है। अब बी और डेजी को बिलीव होने लगा है कि यही हमारा ओरिजिनल लूका है और वह ईवी को क्रिटिसाइज करने लगती है पर तभी उनके आर्ग्यूमेंट को उनकी मदर रोक देती है और फैमिली को सेव करने के लिए ईवी को कांग्रेचुलेट करती है। तब बी कहती है तुम्हारी सिंसियरिटी तब कहां गई थी जब बचपन में तुम गेब को प्रोटेक्ट करने की बजाय तुम मेरी जासूसी कर रही थी और उसी की वजह से गेब की यह सिचुएशन है जिसके कारण से ईवी वहां से चली जाती है। रात को डिनर के वक्त फाइनली स्ट्रेंजर को एक चेयर मिलती है। रात को ईवी अपनी मदर के पास जाती है और उनसे पूछती है ऐसा क्यों है कि सच सिर्फ आपको ही दिखता है। तब उसकी मम्मी कहती है चिंता मत करो हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन है क्योंकि एक बार जब उनका बच्चा आ गया तब उस आदमी को यहां से जाना पड़ेगा जैसे कि लूका यहां से गया था। उस रात वह सब सो नहीं पा रहा है क्योंकि उनके कानों में स्ट्रेंजर और बी की आवाजें आ रही है जब वो दोनों एक साथ इंटीमेट हो रहे हैं। कुछ दिनों बाद स्ट्रेंजर का लेग फाइनली हील हो गया है और अब उसकी मदर उसे निगरानी पे भेजने के लिए तैयार है। जब ईवी सारे कपड़े धो रही है तब वो नोटिस करती है बी की मंथली पीरियड नहीं आ रही है। उसकी मम्मी बी की मंथली पीरियड ट्रैक कर रही है और कहती है बी प्रेग्नेंट होने वाली है और वह सारी बातें बी को बताती है। बी को सुनके अच्छा लगता है पर उसका दिमाग तब खराब हो जाता है जब उसकी मम्मी कहती है हमारे पास रिसोर्सेस बहुत ही कम है इसलिए तुम्हें बेबी और स्ट्रेंजर दोनों के बीच किसी एक को चुनना होगा। यह सुनकर बी गुस्सा होती है और अपनी मम्मी पे चिल्लाने लगती है। यह सुनकर गेब को पैनिक अटैक आता है और वो बाहर भाग जाता है। ईवी अपना मास्क पहन के उसे बाहर लेने आती है तभी उसे उसके बचपन की वो बातें याद आती है
जब पहली बार उसकी मेमोरी लॉस हुई थी। पर सडनली वह स्ट्रेंजर वहाँ आता है और गेब को उठा के अंदर ले जाता है। वह ईवी के हाथों को पकड़ कर कहता है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। रोती हुई ईवी कहती है, गेब एक बहुत ही अच्छा इंसान था और मेरी वजह से उसने अपनी मेमोरी खो दी। जब स्ट्रेंजर ईवी से बातें कर रहा है तभी वह बी आ जाती है और उसे देख के अपसेट हो जाती है और उसे अपने साथ निगरानी पे चलने के लिए कहती है। जब वह बाहर में मेकआउट करते हैं तब बी कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और माँ बनने वाली हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। पर वह ऐसा करने से मना करता है और बी को हक करते हुए कहता है, देखते हैं क्या होता है। मीनवाइल उधर गेब ईवी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। ईवी जल्दी से उठती है और उसे रोकती है, पर मैटर ज्यादा खराब हो जाए इसलिए उस सिचुएशन को दूसरे तरीके से हैंडल करने का सोचती है। रात को जब सब लोग सो रहे हैं ईवी को नींद नहीं आ रही और वह चुपके से उठ के बाहर आती है। वह स्ट्रेंजर उसे फॉलो करता है। वह ईवी से कहता है, तुम गेबी के लिए हमेशा गिल्ट में मत रहा करो। पर ईवी उसकी बातों से डिसएग्री करती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने उसका ख्याल रखा होता तो आज गेब खुश होता। अगले दिन स्ट्रेंजर गेब से बातें करते हुए उसे टीज करता है कि मैंने ईवी से तुम्हारे लिए बात की और यह भी बताया कि गेब तुमसे प्यार करता है, पर तब उसने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह तुमसे प्यार नहीं करती। इतना सुनकर गेब को गुस्सा आता है और एक लकड़ी के टुकड़े को उस पर फेंकता है जिसकी वजह से ग्लास टूट जाता है। लड़कियां जल्दी से आती है और टॉक्सिन अंदर आने से पहले क्रैक को रिपेयर करती है। उसकी मदर वहाँ आती है पर स्ट्रेंजर कहता है, यह बस एक एक्सीडेंट था। उसके बाद उसकी मदर कहती है, मुझे तुम पे शक हो रहा है क्योंकि जब भी तुम गेब के पास होते हो वो हमेशा एंग्री हो जाता है। तब वह स्ट्रेंजर कहता है, यहाँ पे रहकर गेब और भी डेंजरस होता जा रहा है, उसके लिए यही अच्छा होगा कि उसे बाहर छोड़ दिया जाए और वह बिना मेमोरी के बहुत ही हैप्पी रहेगा। पर मदर उसके सजेशन को नहीं मानती और कहती है, हम गेब को एज ए रैंडम मैन रख लेंगे क्योंकि वो हमारा बेटा है। सोने से पहले उसकी मदर गेब को बेड से बांध देती है और उसे कहानियां सुनाती है ताकि वो उसे प्यार में बंधी रहे। जब वो जा रही थी तब उसके सामने वह स्ट्रेंजर आता है और तब वह कहता है, तुम अपनी बेटियों की तरह मैनिपुलेट नहीं हो सकती, इसलिए उसे मारने का फैसला लेता है और गार्डन में परी हुई टूल से उसे मार देता है। उसके बाद वह चुपके से गार्डन से निकलता है और उस टूल को गेब के बेड के नीचे छुपा देता है ताकि सबको ऐसा लगे कि गेब ने किया है। जब गेब की नींद खुलती है तो वो अपनी मम्मी को मरा हुआ देखता है। तभी वो स्ट्रेंजर पीछे से आता है और कहता है, ओह तुमने मार दिया अपनी मम्मी को। इतना सुनकर गेब को गुस्सा आता है और वह स्ट्रेंजर पर भी अटैक कर देता है और वह स्ट्रेंजर झूठ का चिल्लाने लगता है जिसकी वजह से सब लोग उठते हैं। और जब सब सामने आते हैं तब वह स्ट्रेंजर गेब को अपने ऊपर से हटाता है। तब वह स्ट्रेंजर कहता है कि गेब ने तुम्हारी मम्मी को मार दिया। ईवी को भरोसा हो जाता है और वह रोने लगती है। तब बी यहाँ पे कहती है, हो सकता है गेब का बुरा सपना आया हो और उसने उसी की वजह से अपनी मम्मी को मार दिया। थोड़ी देर बाद वह स्ट्रेंजर गेब के पास जाता है और उसे बेड में बांध देता है और उसके मुंह में कपड़े डालकर खिड़की खोल देता है ताकि टॉक्सिन अंदर आए और फिर से उसकी मेमोरी लॉस हो जाए। वह कहता है, यही तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद वह स्ट्रेंजर कहता है कि मैंने अपनों को अपने आंखों से देखा है कि वह कैसे मुझे भूल गए और जब मैंने यह सब भूलने के लिए अपना मास्क हटाया तो टॉक्सिन मुझ पर असर नहीं कर पाया। उसे नहीं पता कि उसके ऊपर टॉक्सिन की वो असर नहीं कर पाई, पर वह कहता है, मैं जानता हूँ अपनों का दर्द कैसा होता है, इसलिए वो टॉक्सिन को अंदर आने देता है ताकि वो अपनी मेमोरी भूल के शांत रह पाए। अब लड़की अपनी मम्मी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही है। तभी डेजी को आइडिया आता है कि क्यों ना हम रिचुअल अपनी मम्मी के साथ में किया करें जो हम दूसरों के साथ किया करते हैं। पर तभी ईवी उसे शांत कराती हुई वहाँ से ले जाती है, पर इसी बीच वह भूल जाती है कि उसने अपना बॉक्स वहीं छोड़ दिया। तभी बी उसके बॉक्स को चेक करने लगती है। उसे उसके बॉक्स में दो बैटरी और लुका के नेकलेस मिलता है। यह देखते ही बी को याद आता है जब उसने एक आदमी को शूट किया था। वह जल्दी से दौड़ के गार्डन में जाती है और एक फ्लैश लाइट को ढूंढती है। तब हमें पता चलता है जिस आदमी को बी ने शूट किया था वो रियल लुका था और वो कोड को इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया था क्योंकि उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म थी। और जब बी ने उसकी बॉडी को चेक किया तो उसे उसमें उसका फ्लैशलाइट मिला जिसे उसने अपने गार्डन में छुपा दिया था, क्योंकि यह पेन बी के लिए बहुत बड़ा था इसलिए वो इसे भूलने के लिए अपना मास्क निकाल लेती है जिसकी वजह से टॉक्सिन उसके अंदर जाती है और वो उस मेमोरी को भूल जाती है। और जो बैटरी और नेकलेस ईवी के बॉक्स में थी इसका मतलब वो पहले से जानती थी कि पहले क्या हुआ था। वो जल्दी से ईवी के पास जाती है। वो रोती हुई इसे डांटती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं आज तक आस लगाए हुई बैठी थी कि लुका कभी वापस आएगा। तभी ईवी कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि तुम सब कुछ भूलने के बाद मैं तुम्हें फिर से वही इंसिडेंट याद कराऊं और तुम्हें फिर से दुख पहुंचे। इतना सुनने के बाद सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल होता है। तब बी कहती है, क्यों ना हम दोनों साथ में बाहर चले और इस मोमेंट को भूल जाए। पर ईवी नहीं चाहती कि वो अपनी यादों को भूल जाए इसलिए वो बी को रोकती है। पर तभी वो स्ट्रेंजर वहाँ आ जाता है और बी को कर लेता है। और जब स्ट्रेंजर ईवी से बातें करने लगता है यह देख के बी को जलन होती है और वो बाहर निकल जाती है। उसके बाद ईवी उसके पीछे जाना चाहती है पर स्ट्रेंजर उसे रोक के कहता है उसे अपनी लाइफ जीने का हक है। और तभी डेजी वहाँ आती है और वह कहती है, गेब अब चेंज हो गया है। जब वो गेब के पास आते हैं तो ऐसा लग रहा है वह गुजर चुका है। तभी बी वापस लौटती है और वह स्ट्रेंजर को नहीं पहचानती। ईवी कहती है, टॉक्सिन की वजह से मैंने अपनी पूरी फैमिली खो दी और यहाँ बस अकेली सिर्फ मैं ही बची हुई जिसको सब कुछ याद है। तभी स्ट्रेंजर कहता है, सब लोग भूल जाएंगे पर मैं नहीं भूल पाऊंगा और जब भी तुम लोग भूलोगे मैं तुम्हें याद कराते रहूंगा। तब ईवी उसे कहती है, पास्ट में जो भी हुआ तुम किसी को नहीं बताओगे और अब हम सब साथ में मिलकर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद वह स्ट्रेंजर ईवी के साथ में इंटीमेट हो जाता है और उसके बाद घर का माहौल चेंज हो जाता है। अब वह स्ट्रेंजर फैमिली का पार्ट है और अब उसने डेजी को स्ट्रेंजर की बेटी बना के रखा है।
है। अगले सीन में हम देखते हैं बी प्रेग्नेंट है। अब वो अपनी मदर के अंतिम संस्कार करते हैं एंड नाउ उनकी फैमिली अब हैप्पी है। वह जब भी बाहर जाता है वह मास्क नहीं पहनता और क्योंकि बी को लगता है बच्चे के पास भी अपनी बाप की तरह इम्यूनिटी होगी और उस पर टॉक्सिन असर नहीं करेगा, तब वो निश्चिंत है कि बच्चा भी सही सलामत होगा। पर नाउ गेबी अलग हरकतें करने लगा है और एक शाम वो गार्डन को खोदने लगता है जब उसकी पुरानी मेमोरी वापस आती है और तभी उसे वहाँ पे दो नेकलेस मिलता है जो ईबी और बी की है। तब उसे रियलाइज होता है कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो असली ईबी और बी नहीं है, क्योंकि उसकी मदर फैमिली में बैलेंस बना कर रखती थी और जब भी कोई न्यू बेबी होता था वहाँ रहने वाला लूका गायब हो जाता था और उसकी जगह से न्यू बेबी को रिप्लेस कर दिया जाता था। एंड नाउ वो स्ट्रेंजर अब लेटेस्ट लूका है और अब वो फैमिली के प्रोटेक्शन करने लगा है। जब वो घर के बाहर एक आदमी को देखता है जो घर में इंटर होने की कोशिश कर रहा है तो वो उस पर गन पॉइंट करता है और वो उसे गेबी की जगह पर रिप्लेस करना चाहता है। एंड नाउ इस तरह होती है फिल्म की द एंडिंग। दोस्तों अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।